राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जिले में 42 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा का आयोजन हुआ। बाड़मेर में 42 केंद्रों पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। वहीं परीक्षार्थियों की गहन जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने भी केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जांचा। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का रविवार को आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जिले में 42 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ। बाड़मेर में 42 केंद्रों पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। वहीं परीक्षार्थियों की गहन जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने भी केंद्रों का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS 2023 प्री परीक्षा रविवार को बाड़मेर जिले के 42 सेंटरों पर आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह 9 बजे से पहुंचना शुरू हो गया, हालांकि 10 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई। परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थी परेश को लेकर गुहार लगाते नजर आए, लेकिन नियमों का हवाला देकर केंद्राधीक्षक द्वारा देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई अभ्यर्थी मायूस नजर आए तो कुछ के आंसू छलक पड़े। देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना कि शहर में ट्रैफिक की वजह से महज 5 मिनट ही लेट हुए, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उनकी एक वर्ष की मेहनत बेकार चली जाएगी। लेट होने की वजह से हमें एंटर नहीं किया जा रहा है, इस टाइम की मेहनत है, प्लीज हमें अंदर जाने के लिए प्लीज। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे और अब क्या हो रहा है? एक साल से तैयारी कर रहे हैं पेपर देने के लिए, कभी इतना टाइम वेट किया है। आज पेपर होने की जगह आप 2 मिनट की वजह से आपने हमें बाहर जाने दिया। होने की वजह से मैं यहाँ थोड़ा 10:03 में पहुँचा, मेरे को एंट्री नहीं दे रही। और रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल से और पुलिस प्रशासन से कि मुझे एंट्री दी जाए, RAS का एग्जाम है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मुख्य द्वार पर एक एक परीक्षार्थी की पहचान के लिए मूल आधार कार्ड को चेक किया गया। मूल आधार कार्ड नहीं होने पर विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर प्रवेश दिया गया। इस बार बाड़मेर जिले में 42 सेंटर बनाए गए। यहां पर 12,947 परीक्षार्थी रजिस्टर थे। वहीं इस बार युवतियों और महिलाओं की चेकिंग के लिए अलग व्यवस्था की गई। महिला कॉन्स्टेबलों द्वारा चारों तरफ पर्दा लगाकर चेकिंग की गई।